हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं एग्जाम वॉरियर्स के बारे में, और इसके 6 मंत्रों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज है नंबर 7 मंत्र, और इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अपने 2 वीडियोज में, वो आई बटन में आप जाके देख सकते हैं, यहाँ आ रहा होगा इस वक्त। वो है 7वां मंत्र, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम का आप सदुपयोग कीजिए। कैसे? क्योंकि हमेशा हर एक के जीवन में 24 घंटे हैं, और सबकी अपनी अलग अलग क्षमता है, लेकिन खास बात यह है कि क्षमताएं कम या ज्यादा होने के बाद भी कुछ लोग सफल और असफल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो कम क्षमता होने के बावजूद भी आप ज्यादा काम कर सकते हैं। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट आपकी एबिलिटी मैनेजमेंट भी है, यानी कि आपकी क्षमताओं को आप और निखार सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के द्वारा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं, और उस टाइम टेबल को बनाने के बाद एक बार जब एक टाइम टेबल आप डिसाइड कर लें, आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। शुरू शुरू में इसके लिए आपको थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे 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 आपकी आदतों में आता जाता है और आप इसके हैबिचुअल होते जाते हैं। जैसे जैसे आप टाइम टेबल को फॉलो करते जाते हैं, आप टाइम का बेहतर यूज करते जाते हैं, बेहतर उपयोग करते जाते हैं, और आप देखते हैं कि वही टाइम जो आपको पहले मिल रहा है वही टाइम अब मिल रहा है, लेकिन आप अब पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं। हम में से कई लोग पढ़ते वक्त बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। किस तरह से कि हम जब पढ़ रहे होते हैं, हमारा ध्यान उस समय दूसरे कामों में भी भटकता रहता है कि हमें वो भी करना है, हमें वो काम भी करना है। इस सोच के कारण क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कितनी देर हम इस सोच में रहे, और हमारा इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और फिर जब हम वापस हमारा ध्यान बुक पर आता है, उस तक आने तक हम काफी देर कर चुके होते हैं और काफी टाइम अपना बर्बाद कर चुके होते हैं। तो उसके लिए क्या करें आप कि एक टाइम टेबल लिखें हर काम के लिए, और पर्टिकुलरली एक टाइम पर आप एक ही काम करें, और जब एक काम करें आप अपना ध्यान दूसरे कामों पे मत दें, उनके बारे में ही सोचें कि जब उस काम का वक्त आएगा तब वो काम कर दिया जाएगा। ये नहीं कि एक टाइम पर आप बहुत सारे कामों को दिमाग में लेके चल रहे हैं, तो उसमें होगा क्या कि आप बहुत सारे कामों में से कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सोचने में और चिंता करने में आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे। तो बेहतर है कि आप टाइम टेबल बनाएं, हर काम का एक टाइम, और उस टाइम पर केवल वही काम, यानी कि एक समय पर एक काम बेहतर परिणाम देगा आपको। तो आप इसे आजमा कर देखिए, एक टाइम टेबल बनाकर देखिए और उस पर चलकर देखिए, आप देखेंगे कि कम समय में आपको बेहतर परिणाम मिल रहे हैं, और इसे हमेशा फॉलो करते रहिए। क्योंकि 24 घंटे बस दिमाग में ये लेकर चलना कि हमारा वो बहुत काम पड़ा है, हमको ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, इससे कभी आपका फायदा नहीं होता है और ना कभी काम होता है। आप इन कामों के बीच में, ढेर सारे कामों की लिस्ट में झूलते रहते हैं, और एक भी काम को आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, या जो भी काम को आप कर रहे हैं उस समय दूसरे कामों की टेंशन आपको उस काम को करने की गति को भी धीमा कर देती है, या कई कई बार आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए भी टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट एक तरह से प्रेशर मैनेजमेंट भी, यानी कि आपके दिमाग पर आप बहुत सारे कामों का जो प्रेशर है, आप टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप उस प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हैं। यानी कि टाइम को बांटने से आपका टाइम काम करने का प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो आपके दिमाग पर टेंशन कम होता है, और कम टेंशन होता है तो आप तो जानते हैं कि आपकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। इसमें एक चीज और है कि आप टाइम मैनेजमेंट जब बना रहे हो, कामों के लिए आप टाइम का हिसाब बना रहे हैं, तो इसमें कुछ गैप भी रखें, यानी कि कुछ ब्रेक्स भी रखें। नहीं तो ऐसा होगा कि कभी कभी कुछ जरूरत का काम पड़ने पर आपके बाद के आने वाले सारे काम बिगड़ जाएंगे। फिर कभी कभी हम किसी जरूरत के काम से उठकर, अपने रेगुलर काम से उठकर दूसरे काम भी हमें करने होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आपको उन कामों के लिए भी थोड़ा टाइम का स्पेस रखें, टाइम टेबल को अच्छे से बनाएं, सोच समझ कर बनाएं, और इस तरह से उसको फॉलो करें। मोदी जी ने भी एक बार बताया था कि आप 2 कामों के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लें, इससे आपके दिमाग अगले काम के लिए तैयार भी हो जाएगा और आपको थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और मंत्र के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।